नमस्कार दोस्तों, लाइफ सेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी सर्विस देखने के लिए मिल सकती है और बहुत सारी सर्विस पर आप काम कर सकते हैं। आपको एक सीपीसी पॉइंट, एक क्यूज बैंक का पॉइंट वहाँ पर आपको मिल सकता है। उस सर्विस में आपको पैन कार्ड एजेंसी मिल सकती है कम से कम पैसे में। ऐसी बहुत सारी सर्विस उस पोर्टल पे आपको मिलने वाली है, तो उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। कैसे आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, कैसे सीपीसी पॉइंट लेना है, उनसे क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी ऑनलाइन मनी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, अपना सीए से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो डालते रहते। तो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उस पोर्टल के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये देखिए, ये पोर्टल है पे पॉइंट इंडिया का, ये पोर्टल है और इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ये किस बारे में पोर्टल है, आपको इसमें क्या क्या सर्विस देखने के लिए मिल सकती है। जो भी आपने थंबनेल में मैंने जो वीडियो के पहले देखा होगा, आप मेरे वीडियो के ऊपर आपको जो फोटो मिला होगा उस पर देखकर आप समझ गए होंगे कि जितनी भी उस पर सर्विस है वो सारी सर्विस आपको इस पोर्टल पे मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सीपीसी पॉइंट, ये जो पोर्टल है, ये जो कंपनी है दे देती है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इसको आप रजिस्टर करके बहुत सारी सेवाओं का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत सारी सर्विस इस पर चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब तक आपको जो इस कंपनी से कॉल नहीं आता तब तक ये कोई भी सर्विस चालू कर नहीं दी जाती है। तो हम बता देंगे आपको कि कैसे आपको इसमें रजिस्टर करना है और क्या जानकारी इसमें देनी है। तो सबसे पहले हम आपको इस सेवाओं का, इस सर्विस में आपको लाभ दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या सर्विस इसमें मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले ये टॉप अप पे पॉइंट वॉलेट, यहाँ पर आपको ये सर्विस मिल रही है। उसके बाद ई रिचार्ज यहाँ पर आपको मिल रहा है, मोबाइल रिचार्ज, न्यू डीटीएच कनेक्शन, डीटीएच एंड डेटा कार्ड, ये सर्विस इसमें मिलने वाली। उसके बाद बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, टेलीकॉम बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, आईएसपी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, एमसीजीएम सर्विस, उसके बाद फ्यू बीबीपीएस बिलिंग कंप्लीट, फ्यू बीबीपीएस टैक्स एंड हिस्ट्री और रिप्रिंट बिल रिसिप्ट, आपको ये सर्विस इसमें मिलने वाली। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार माइक्रो एटीएम भी मिलने वाला है, अगर आप जो आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, तो वो एटीएम मशीन भी आपको इसमें मिल सकता है। तो आप उसके लिए भी इस पोर्टल से इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर इंश्योरेंस की सर्विस मिल रही है, बाय न्यू बजाज इंश्योरेंस, मैनेज इंश्योरेंस, एफएक्यू इंश्योरेंस, आपको ये सर्विस मिलने वाली। उसके बाद आपको पैन कार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अप्लाई न्यू पैन कार्ड और पैन कार्ड बेसिक प्रोसेस से आपको जानकारी मिलने वाली। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र, आप किसी भी देश, किसी भी बैंक में आप इस मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पे पॉइंट, जी वॉलेट, एसबीआई कोसिक बैंकिंग, एसबीआई यूज़र मैनुअल। उसके बाद बुकिंग की सर्विस मिलने वाली, ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विस मिलने वाली, बिजनेस की सर्विस मिलने वाली, ऐसे बहुत सारे सर्विस आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कितने दिन के बाद, कितने टाइम के बाद उनसे कॉल आ जाता है। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा, paypointindia.com पर आपको आना है। और जैसे आप आते हो तो देखिए, इस तरह से ये सर्विस ओपन हो जाएंगी। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और देखिए, इसमें आपको बहुत सारी सर्विस देखने के लिए मिल सकती है और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। जो ये कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जो इसके लिए है, और इसमें आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारत में किसी भी बैंक में आप इसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इनसे आप केओस कोड, मतलब केओस बैंकिंग भी इनसे ले सकते हैं। तो अगर आपकी सर्विस, आपका वॉलेट अच्छी तरह से चलता है, तो आपको ये जल्दी से जल्दी केओस बैंक आईडी और पासपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्यूज बैंक में अकाउंट ओपनिंग, ये सारी जानकारी, सारी सर्विस उसमें मिलने वाली है। तो आपको इनसे कॉल करना है, इनका जो नंबर है देख लीजिए इस वेबसाइट पर, आपको इनका कॉन्टैक्ट अस पर जाकर आपको इनका कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, इनका नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पर दिख रहे, तो जिस पर भी चाहे आप कॉल करके इनसे सारी बातें सारी जानकारी इनसे ले सकते हैं और ये जल्दी से जल्दी कॉल भी लग जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो जल्दी से आप इस वेबसाइट पर आकर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले, और इनसे बात कर लीजिए कि हमें ये सीपीसी पॉइंट लेना है, क्या करना होगा क्या नहीं, हमें ये पोर्टल लेना है, इसके लिए हमें क्या
चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर आकर देख लीजिए। तो हम आपको बता देते हैं कि इस पे रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए, आप जैसे paypointindia.com पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर नाउ, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये न्यू पेज पर ओपन हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पर अपना जो यूअर फर्स्ट नेम, यूअर लास्ट नेम, उसके बाद यूअर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भर देनी है। उसके बाद यूअर ईमेल एड्रेस, यूअर मोबाइल नंबर, यूअर यूज़र मैनुअल, मतलब यूज़र नेम, आप जो भी यूज़र नेम रखना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अपना पिन कोड डाल दीजिए, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो भी सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका कोई अदर नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर रेफर बाय, आप किससे रेफर हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सेलर, अदर, यहाँ पर अदर पर क्लिक करके आप YouTube, हमने ये YouTube वीडियो बनाया तो आप यहाँ पर अदर पर क्लिक कर दीजिए और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद जो भी आपकी जानकारी वो यहाँ पर चली जाएगी। उसके बाद आपको तुरंत ही जो आपके ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक मेल आ जाएगा, उसमें आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आप पासपोर्ट मिलता है तो इस पोर्टल को ओपन कर पाओगे। मतलब जब तक आप इस पोर्टल को ओपन कर सकते हो, पर जब तक ये उनके पास से फिर से एक कॉल नहीं आ जाता, तब तक आप इसमें कोई भी सर्विस चला नहीं पाओगे और ये सर्विस चल नहीं पाएगी। तो आपको इनसे ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और फिर आपको एक कॉल आ जाएगा, उसमें सारी जानकारी आपको भर देनी है, उनको का सारी जानकारी दे देनी है, उसके बाद ही आपका ये पोर्टल चल पाएगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए, उनसे भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट पर आकर देख लीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपको ठीक लगती है ये पोर्टल तो आप इसे ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप दूसरा पोर्टल देख लीजिए। मतलब पर ये आपके सीपीसी पॉइंट के लिए अच्छा पोर्टल है। तो दोस्तों, हम आपको आगे ही बहुत सारे पोर्टल की जानकारी देने वाले हैं कि आपको सीपीसी पॉइंट और उसमें क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। तब तक आप इस पोर्टल पर आकर देख लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है तो आप इसे रजिस्टर कर देख लीजिए, नहीं तो आप एक बार इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या सर्विसेज में मिलने वाले, कितना कमीशन हमें इसमें मिलने वाला है, वो सारी जानकारी आपको ये दे देंगे। तो दोस्तों, यही थी इस वीडियो में अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।